मॉर्निंग मेडिटेशन आपको माइंड से मुक्त करे, आपको नेगेटिविटी से सदा के लिए मुक्त करे। आइए इसी में हम निरंतर डूबते चले जाएं। प्यासों की प्यास, दीवानगी लगन निरंतर बढ़ती चली जाए। ध्यान का ध्यान रखना कहीं खंडित ना हो, अखंड बने रहना। तमाम माइंड का कचरा, कीचड़ कबाड़, व्यर्थ विचारों का, विकारों का, विकल्पों का, वृत्तियों का विदा होने दीजिएगा। बहुत कचरा भरा है तो ईर्ष्या द्वेष का, वैमनस्य का महादस रहेगा, राग द्वेष का, सब विसर्जित होने देना। साफ सुथरा, स्वच्छ, निर्मल रखना अपने भीतर को। अंतस की धरा पर निरंतर बने रहना। बहुत स्वाभाविक है यहां, इट्स वेरी नेचुरल। लगातार वाच करते रहना, केवल देखते रहना जो भी हो रहा है भीतर के तल पे, जो जो घटित हो रहा है उसको वाच करते रहना। जागे रहना, पल पल जागे रहना। जागना ही जीवन है, अपनी ओर जागना। भीतर सोए सोए जन्म ना गवा देना, कहीं मन की डुअलिटीज के शिकार बनकर के यूं ही ना जन्म चला जाए। ये जन्म जिसके लिए मिला है वो जीवन जो जगे, उसके बिना हाथ लगने वाला कुछ भी नहीं है संसार में। जी भर करके तू चारों तरफ फैल ले, कुछ हाथ लगने वाला नहीं। घर तेरे पास अपना आप नहीं, अपने आप में तुम समाहित नहीं, अपने स्वभाव में तुम नहीं, तो तुम्हें दुनिया की कोई भी हस्ती आबाद नहीं कर सकती। कितने अरबों पति, खरबों पति, करोड़ों पति हो जाइए, बहुत अच्छा है वहां, किंतु अपना जन्म ना गवाइए। ये अनमोल है, अद्वितीय है। जीवन ज्योत जले, स्वास्थ्य शांति शक्ति का रूप बने तू, तभी बाहर भीतर जगमगाओगी। सर्वप्रथम भीतर जगमगा लेना, बाहर सर्वत्र सभी में तेरा अस्तित्व गूंज उठेगा। लगातार वाच करते रहना भीतर की गतिविधियों को, मन माया की गति को, मन माया के पसार को देखते रहना। डायरेक्टली वाच करना माइंड को, ना कि माइंड को कहीं फोकस करना। मन को लगाने की जरूरत नहीं, लगता नहीं, जोर लगा ले। सारा जन्म गवा बैठोगे, मन लगेगा नहीं। जब तक मन से हटोगे नहीं, तब तक मन लगेगा नहीं। यूं ही मेंटल एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। मेंटल एक्सरसाइज करने से कभी टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी से आजाद नहीं हो सकोगे। ये तमाम नेगेटिविटीज माइंड की दिन रात घेरे रखती हैं तुझको। व्यर्थ की दुनिया में हम सोए सोए जी रहे हैं। क्या गजब का अनमोल धन मिला है, अनमोल संपदा मिली है मानव जन्म। सांसों की अनमोल लड़ी तेरे हाथ लगी है। शीघ्रति शीघ्र सुरती जगा, सुरती जगा। नानक कबीर रैदास गोरा बादल कहते हैं, सुरती जगा। सुरती परम संपदा है तेरी, वही तेरे हाथ नहीं लगी तो दुनिया का क्या हाथ लगेगा तेरे। कछु हाथ लगने वाला नहीं जब तक भीतर अंतस में जगमगाएगा नहीं। देखते रहना, वाच करते रहना। गर प्यास लगन उत्कंठा है तो भाव दशा में डूबते चले जाना, नहीं तो विचारों की गति, विचारों की भीड़, विचार दशा में जागे जागे रहना। स्वयं सभी विचार विसर्जित होते चले जाते हैं। अगर तुम थोड़े न्यूट्रल एनर्जी होकर के रहते हो, थोड़ा निष्पक्ष रहते हो, निरपेक्ष रहते हो, देखने वाले हो कि रहते हो, अपने स्वभाव में रहते हो,
तो सारा कचरा विदा होता चला जाएगा। तुम स्वस्थ, सुखद, आनंदित, ताजा ताजा भीतर का स्नान करके आओगे। भीतर रहना, पलके मूंदा और देखना शुरू हुआ, ध्यान भीतर की ओर प्रवाहित रहे। भले कितना अंधेरा हो, सन्नाटा हो, विचारों की गति हो, आप वाच करते रहना, निष्पक्ष निरपेक्ष रहना, जागे जागे देखते रहना। विचारों की लहरों को देखते रहना, लगातार कितने भी पॉजिटिव है, कितना भी नेगेटिव है, सब वाच करते रहना। पास्ट और फ्यूचर की रस्सियों पर ज्यादा नहीं झूलना, आदत बना है, पर तो इस आदत से थोड़ा हट करके अपने स्वभाव में लौटना, अपनी स्वाभाविक स्थिति में आना, जागे जागे देखते रहना जो भी हो रहा है। केवल देखते रहना, हर विचार को, किसी भी थॉट में इंडल्ज नहीं होना, किसी भी थॉट में लॉस्ट नहीं होना। जागे जागे देखते रहना, विचार दर विचार उठ रहे हैं, भीतर के अंधेरे, भीतर के सन्नाटे, भीतर की स्थिति को अवश्यमय हो, एक न्यूट्रल एनर्जी होकर के देखते रहना, नॉन डूइंग की स्टेट में रहना, माइंड की डूइंग को देखते रहना। खुद कुछ करना नहीं, केवल जागे जागे देखते रहना। यू आर ए सीयर, यू आर नॉट ए माइंड। माइंड के तमाम डायमेंशंस को अच्छी तरह भांपते चले जाना। ओंकार आमीन आमेन। भूले हुए मुसाफिर दरवाजा आ गया है, भूले हुए मुसाफिर हो भटके हुए मुसाफिर दरवाजा आ गया है, किस्मत से दर मिला है। हाँ, किस्मत से दर मिला है, तो किसे और जा रहा है। किस्मत से दर मिला है, तो किसे और जा रहा है। भूले हुए मुसाफिर, गफलत में गवा दी। ये संत रात सारी करते रहे मुनादी, ये संत रात सारी करते रहे मुनादी। वो
पोपट रही सवेरा, पोपट रही सवेरा, मशरिक में छा गया है पोपट रही सवेरा, आसमां में छा गया है पोपट रही सवेरा, मशरिक में छा गया है भूले हुए मुसाफिर, दरवाजा आ गया है भूले हुए मुसाफिर, दरवाजा तक है नैन ज्योति, दीदार उसका कर ली, जब तक है नैन ज्योति तो दीदार उसका कर ली, जब तक है श्वास ज्योति तो ध्यान उसका कर ली, जब तक है श्वास ज्योति तो ध्यान उसका धर ले, मरना नहीं पड़ेगा, मरना नहीं पड़ेगा, मरने से पहले मर ले, मरना पड़ेगा मरने से पहले मर ले, मिट जा मालिक के द्वार, इतना मिट जा जैसे भगवान राम मिटे, भगवान कृष्ण मिटे, राम मिटे कृष्ण मिटे और भगवान होकर गया, राम मिटे गोपाल मिटे, बरसों बरसों तक मिटते चले गए, जब तक भगवत्ता का दर्शन ना हुआ, भगवत्ता का पदार्पण ना हुआ, जब तक भगवत्ता की मूर्ति ना बन पाए मिटते चले गए। क्या कमाल कहते हैं गोपाल, कहते हैं सुदामा मैं लकड़ियां काटने जा रहा हूं, गुरु ने कहा है लकड़ियां काट के लाना है, सुदामा कहता है अरे मूर्ख हो रहा है, बरसात मूसलाधार हो रही है, सारी सारी रात बरसात चली है और अब भी चल रही है, अरे कहाँ लकड़ियां काटेगा, क्या लकड़ियां मिलेंगी, सूखी लकड़ियां कहाँ मिलेंगी, कहाँ लकड़ियां हाथ लगेंगी, सब गीला हो चुका है, तो क्या गुरु जानते नहीं सुदामा, क्या गुरु की नजर नहीं है, आंख नहीं है, क्या गुरु नहीं जानती ये कि मूसलाधार बरसात में भेजना चाहिए या नहीं भेजना, फिर क्यों भेज रहा है, कोई राज होगा कोई रहस्य होगा सुदामा, हमारा तो कदम कदम पे टेस्ट है, कदम कदम पे परीक्षा है, कदम कदम पे इम्तिहान होता है, हमने जाना है जो गुरु ने कह दिया वो करना है, गुरु घर दिन को रात, रात को दिन कहे हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि उस जैसा अंतर्यामी जागा पुरुष दुनिया में दूसरा नहीं। अरे सुदामा बात मत कर, मुझे डिस्करेज ना कर, मुझे किसी प्रकार से निरुत्साहित ना कर, मेरे भीतर शंका पैदा करने की जरूरत नहीं, जो गुरु ने कह दिया सो सिर माथे रख करके चलूंगा, मैं लकड़ियां काटने जरूर जाऊंगा, इतनी भरी बरसात में भी जाऊंगा, क्योंकि रसोई में चाहिए, रसोई में आग जलाने के लिए चाहिए,
तो कहाँ से सुखी मिल जाएंगी, अकल कर थोड़ी। गोपाल तो इतना अच्छा समझदार व्यक्ति, इतना अस्तित्व पिरोया है तूने दुनिया भर का, लीलाधारी है तू, तू खुद देख क्या इतनी बरसात में भी कोई सुखी लकड़ी मिल सकती है, तू अपने आप जान। तो गुरु ने क्यों कहा, क्या गुरु की आंख नहीं, नजर नहीं, गुरु देखता नहीं? अरे मूर्ख, गुरु के ऊपर भरोसा है या अपने आप पे भरोसा है या प्रकृति पे भरोसा है, किस पे भरोसा करें? गुरु पे करें। भीतर कहा, भीतर जग उठा, जगमगा उठा गोपाल के ये नूर उतरा भीतर, एकदम कहा अरे ओ सुदामा, जो गुरु कहता है दिन को रात, रात को दिन स्वीकार कीजिएगा, वहां माइंड नहीं चलेगा, वहां हृदय चलेगा, हार्दिक भाव चलेगा। वो जानत है, सब कुछ देख रहा है, जान रहा है, फिर क्यों भेज रहा है, हमारी परीक्षा ले रहा है ना, हमें देख रहा है कि हमारा समर्पण कैसा है। हमारे समर्पण में कोई क्वेश्चन तो नहीं, कोई सवाल तो नहीं, कोई शंका तो नहीं, हमारे समर्पण में कोई हंसी मजाक तो नहीं, बाबा हंसी मजाक तो नहीं कर रहा हमारे समर्पण के साथ, वो कुछ भी कर रहे हैं, भीतर अंतस जगमगाता है गोपाल का। कहने लगे अरे सुदामा, जो गुरु ने कह दिया सो स्वीकार, मुझे जाना है, तूने चलना तो चल, नहीं तो तेरी मर्जी, तो ना जा, नहीं जाना तो मुझे भी है, तेरे बिना रहा नहीं जाता गोपाल, जब से तू आया है मेरा जन्म खिलता ही चला जा रहा, वरना मैं तो शंकातुर था, सदा शंकालु था, गुरु की हर बात पे शंका करता था, गुरु की हर बात पे डाउट करता था, गुरु को कमजोर समझता था, गुरु को मैं कुछ भी नहीं समझता था, अपने को बड़ा मानना और गुरु को छोटा ये मेरा धर्म बन चुका था, किंतु जब से तेरे को देखा, तेरी करनी को देखा, तेरे भाव को देखा, मैं भी आस्तिक होता चला गया, नास्तिक से मैं भी गुरु के और निकट और निकट और अधिक नजदीक होता चला गया, और मेरा जीवन भी बदलता चला गया, मैं मोस्ट नेगेटिव होकर के भी अब मैं थोड़ा पॉजिटिव हुआ हूं, तेरे साथ साथ चलूंगा सुदामा, साथ साथ। सुदामा 7 वर्ष की आयु में आया था गुरु के पास, और गोपाल गए 17 वर्ष की आयु में गुरु के पास, 10 साल लगातार दूर रहे अपनी लीलाओं में। गुरु संदीपनी के द्वार पर 17 वर्ष की आयु में जाना गजब ढाता है। अरे मैं तो अब 18 वर्ष का हो गया, 17 वर्ष 16 वर्ष, मैं क्या पढ़ूंगा, उसने एक बार नहीं कहा, पढ़ने फिर गया गुरु के पास, पठन पाठन भीतर का करने गया। गोपाल होकर के 14 वर्ष लगातार गुरु के चरणों में रहे, अरे 16 कला संपूर्ण भगवान कहलाने वाले, स्वयं 17 वर्ष से 30 वर्ष की आयु तक गुरु के चरणों में मिट मिट के रहे, अपना अहंकार अभिमान नहीं पिरोया, अपना माइंड नहीं खड़ा होने दिया, एकमात्र हार्दिक भाव पिरोया। गुरु दिन को रात कहता है रात, रात को दिन कहता है दिन, हर कदम के ऊपर गुरु के चरण क्षण पर कुर्बान होते चले गए। कभी उन्होंने कोई शंका नहीं किया, कभी कोई क्वेश्चन नहीं किया, कोई सवाल नहीं उठाया, इतने मिट गए कि उसमें समाहित हो गए। आखिर 14 वर्ष के पश्चात भगवत्ता की मूर्ति भगवान होकर के गए और दुनिया का सारा भार संभाल लिया। दुनिया के सारे अंधेरे विदा करने के लिए वो 125 वर्ष तक लगातार अपनी लीलाओं का मंचन करते चले गए। क्या गजब है, जब तक है नैन ज्योति, श्वेत केतु उदालक कहते हैं बेटे, जब तक है श्वास ज्योति, तू दीदार उसका कर ली, जब तक है श्वास ज्योति, तू दीदार उसका कर ली, मरना नहीं पड़ेगा। पड़ेगा मरने से पहले मर, अरे मिट जा,
बाल की तरह, राम की तरह मिट जा गुरु चरणों में, मिट मिट के जी। कोई किसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन ना रखना, अहंकार अभिमान अस्मिता के अंधेरों में पल, माइंड को एक तरफ रख करके मास्टर के द्वार जी ले थोड़ी देर। सारा जगत तेरा, स्वयं सारा जगत तेरा, महिमा मंडित होगा, महिमा गाता चला जाएगा और तेरे से दिशा लेता चला जाएगा। मिट मिट के जीना, अपना माइंड पीछे रख कर की एक मालिक के द्वार मिट मिट के जीना। ये तुझे गोपाल और राम की तरह अवतारी शक्ति बना देगा। मरने से पहले मर ले, जब तक है श्वास ज्योति, तो दीदार उसका कर ले, मरना नहीं पड़ेगा, अमर हो जाएगा तू, इस जन्म की कीमत डाल देगा तू। सारा परिवार, सारा समाज, सारा विश्व तेरे गुणगान करने में लगातार चलता रहेगा, तू दिशा दे गया। ओ बाबा श्री चंद, तू दिशा दे गया, तेरे में लालच नहीं, लोभ नहीं। गुरु नानक देव जी ने उसको कहा, उत्तराधिकारी नहीं बनना, मुझे नहीं होना। 150 वर्ष लगातार जीने वाले बाबा श्री चंद, भगवान श्री चंद, गुरु नानक देव जी के ज्येष्ठ पुत्र ने क्या गजब ढाया। गुरुदेव मुझे क्षमा करना, मुझे पूर्ण स्वतंत्र दे, जीना है मुझे केवल अपने अस्तित्व में जीना है। मैं आपकी हर एक बात को मानता हूं, स्वीकार करता हूं, मैं आप अपना भगवान, अपना गुरु, अपना पिता मानता हूं, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा, किंतु मैं इस बात में नहीं, मैं आपको अपना जीवन आधार मानता हूं। आप जागे पुरुष, जागृत पुरुष, प्रभु के पूर्ण पूर्ण स्वरूप, मैं आपके चरणों में स्वीकार होता हूं, स्वीकृत हूं, किंतु मुझे स्वतंत्र रखिएगा गुरुदेव, मुझे स्वतंत्र रखिएगा। शायद उसमें मैं आपके मैसेज को पूरी तरह फैला पाऊंगा, शायद मैं आपके मैसेज को, आपके संदेश को सारे विश्व में फैला पाऊंगा। 150 वर्ष लगातार बाबा श्री चंद, भगवान श्री चंद इस धरती पर जगमगाए हैं। लगभग 80 वर्ष लगातार गुरु नानक देव जी जगमगाए हैं इस धरती पर, साकार रूप में, निराकार रूप में तो अब तक भी विराजमान हैं, सब चारों तरफ विराजमान हैं, और जब चाहो तुम उसको साकार रूप में उतार सकते हो, तुम्हारी प्यास लग रो तो इकट्ठा होनी चाहिए। किंतु 150 वर्ष लगातार गुरु अर्जन देव तक उनके पांव धोने वाले गुरु, पांचों गुरुओं ने कितना स्वागत किया उनका। अपने आप में जिए, अपना आप एकमात्र आनंदित मुदित जगमगा उठा, स्वयं भगवत्ता की मूर्ति बनकर के हर एक का कल्याण करते चले गए। क्या गजब का नूर पिरोया, नहीं मुझे आपके चरणों का आधार मिले, आपकी शक्ति मिले, आपकी दिशा मिले, उसी में वो सभी को आबाद कर गए। कितना सुंदर कहा, मरना नहीं पड़ेगा, मरने से पहले मर ले, मरना नहीं पड़ेगा, मरने से पहले मर ले, मरना नहीं पड़ेगा, मरने से पहले मर ले, अब सोच क्या रहा है, तू अब सोच क्या रहा है, सागर पे आ गया है, अब
सोच प्यारा है, सागर पे आ गया है, अब सोच प्यारा है, सागर पे आ गया है, अब सोच ओ सुदामा महासागर के द्वार पहुँचा है, सागर पे आ गया है, भूली हुई मुसाफी दरवाजा आ गया है, फटकी हुई मुसाफी दरवाजा किस्मत से दर मिला है, किस्मत से दर मिला है, तो किसे और जा रहा है, किस्मत से दर मिला है, किसे और जा रहा है, भटकी हुई मुसाफिर ओ मन के हार लगी मुसाफिर, हंकार अभिमान अस्मिता पिरो रहा है, भूले हुए मुसाफिर दरवाजा गया है, भटकी हुए मुसाफिर नमः।